इन पुत्रन की खातिर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। यह वाक्य किसने किस संदर्भ में कहे, अगर इस बात से आप अवगत है तो यकीनन मेरी ही तरह आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। लेकिन अगर आप इस बात से वाकिफ नहीं हैं, अगर ज्ञात नहीं है, तो आइए आपको बताते हैं और ले चलते हैं इतिहास के उस दौर में, भारत और ख़ास तौर पर पंजाब और सिखिज़्म के लिए यह काले अक्षरों में लिखे जाते हैं। चार साहिबजादे शब्द का प्रयोग सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चार सुपुत्रों साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सामूहिक रूप से संबोधित करने हेतु किया जाता है। खास तौर पर गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत को जब भी याद किया जाता है तो सिख संगत के मुख से सिर्फ यही लफ्ज निकलते हैं, निकिया जिंदा वड्डा साका। सुनाते हैं आपको ऐसी गाथा जिसे ना केवल सुनाने वाले की रूह काम जाएगी बल्कि सुनने वालों का भी दिल बैठ जाएगा। सरसा नदी पर जब गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार जुदा हो रहा था तो एक और जहां बड़े साहिबजादे गुरु जी के साथ चले गए, वहीं दूसरी ओर छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी के साथ रह गए थे। उनके साथ ना कोई सैनिक था और ना ही कोई उम्मीद थी जिसके सहारे वह परिवार से वापस मिल पाते। और तभी दुर्भाग्यपूर्ण अचानक उन्हें रास्ते में उनका एक पुराना सेवक जो गुरु महल में काम करता था गंगू नाम का एक शख्स मिल गया। गंगू ने आश्वासन दिलाया कि उनका परिवार उनके साथ जा सकता है, उनके घर रह सकता है और वहां पे वह सुरक्षित रहेंगे। माता गुजरी और साहिबजादे विश्वास कर गंगू के घर चले गए, लेकिन वह गंगू की असलियत से अवगत नहीं थे। गंगू ने लालच में आकर तुरंत वजीर खान को गोविंद सिंह जी की माता और छोटे साहिबजादों के उसके घर होने की जो खबर थी वो दी। इस खबर से खुश होकर वजीर खान ने गंगू को सोने की मोहरें भेंट करी। खबर मिलते ही वजीर खान के सैनिक माता गुजरी और 7 वर्ष की आयु के साहिबजादे जोरावर सिंह और 5 वर्ष के फतेह सिंह को गिरफ्तार करने गंगू के घर पहुंच गए। वहां से उन्हें लाकर ठंडे बुर्ज में रखा गया और उस ठिठुरती ठंड से बचने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा तक न दिया गया। रात भर ठंड में ठिठुरने के बाद सुबह होते ही दोनों साहिबजादों को वजीर खान के सामने पेश किया गया। कहा जाता है कि वहां पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहिबजादों ने जोर से जयकारा लगाया, जो बोले सो निहाल सच श्री अकाल। यह देख सब दंग रह गए। वजीर खान की मौजूदगी में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं कर सकता था, लेकिन गुरुजी की नन्ही जिंदगियां ऐसा करते समय एक पल के लिए भी नहीं घबराए। सभा में मौजूद मुलाजिम ने साहिबजादों को वजीर खान के सामने सिर झुकाने या सलामी देने को कहा, लेकिन इस पर भी उन्होंने जो जवाब दिया वह सुनकर सबने चुप्पी साध ली। क्या जवाब दिया आइए आपको बताते हैं। दोनों ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी के भी सामने सर नहीं झुकाएंगे। ऐसा करके हम अपने दादा की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। आगे उन्होंने कहा, यदि हमने किसी के सामने सर झुकाया तो हम अपने दादा को क्या जवाब देंगे जिन्होंने धर्म के नाम पर सिर कलम करवाना सही समझा लेकिन झुकाना नहीं। वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को काफी डराया, धमकाया और प्यार से भी इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन दोनों अपने निर्णय पर दृढ़ रहे, अटल रहे। लेकिन वह ठहरे साहिबजादे, अपने निर्णय पर अटल रहे। निकिया जिंदा वड्डा साका। आखिर में दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवारों में चुनवाने का ऐलान किया गया। कहते हैं दोनों साहिबजादों को जब दीवार में चुनवाना आरंभ किया गया था तब उन्होंने जपजी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया और दीवारें पूरी होने के बाद अंदर से जयकारा लगाने की आवाजें भी आती रही। आगे ऐसा कहा जाता है कि वजीर खान के कहने पर दीवार को कुछ समय के बाद तोड़ा गया यह देखने के लिए कि साहिबजादे अभी जिंदा हैं या नहीं। तब दोनों साहिबजादों के कुछ श्वास अभी बाकी थे लेकिन मुगल मुलाजिमों का कहर अभी भी जिंदा था। उन्होंने दोनों साहिबजादों को जबरदस्ती मौत के घाट उतार दिया।
वहीं दूसरी ओर साहिबजादों की शहीदी की खबर सुनकर माता गुजरी ने अकाल पुरख के इस गर्वमयी शहादत के लिए शुक्रिया किया और अपने श्वास छोड़ दिए। अब बात करते हैं साहिबजादों की। पहले साहिबजादे अजीत सिंह, साहिबजादे जुझार सिंह, साहिबजादे जोरावर सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह। और अब बात करते हैं साहिबजादे अजीत सिंह की। अजीत सिंह श्री गुरु गोबिंद सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। चमकौर के युद्ध में अजीत सिंह अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। गुरुजी द्वारा नियुक्त किए गए पंच प्यारे यानी कि पांच प्यारों ने अजीत सिंह को समझाने की कोशिश की कि वह ना जाए, क्योंकि वही सिख धर्म को आगे बढ़ाने वाले अगले शख्सियत हो सकते हैं। लेकिन पुत्र की वीरता को देखते हुए गुरुजी ने अजीत सिंह को निराश नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अजीत सिंह को युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। अपने हाथों से ही उन्हें शस्त्र दिए और पांच सिखों के साथ उन्हें किले से बाहर रवाना कर दिया। कहा जाता है कि रणभूमि में जाते ही अजीत सिंह ने मुगल फौज को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया। अजीत सिंह कुछ यूं युद्ध कर रहे थे मानो कोई बुराई पर कहर बरसा रहा हो। अजीत सिंह एक के बाद एक वार कर रहे थे। उनकी वीरता और साहस को देखते हुए मुगल फौज पीछे भाग रही थी, लेकिन वह समय आ गया था जब अजीत सिंह के तीर खत्म हो रहे थे। जैसे ही दुश्मनों को ये अंदाज़ा हुआ, जैसे ही उन्होंने भांपा कि अजीत सिंह के तीर खत्म होने को हैं, उन्होंने साहिबजादे को घेरना आरंभ कर दिया। लेकिन तभी अजीत सिंह ने म्यान से तलवार निकाली और बहादुरी से मुगल फौज का सामना करना आरंभ कर दिया। कहा जाता है कि तलवारबाजी में पूरी सिख फौज में भी अजीत सिंह को कोई चुनौती नहीं दे सकता था, तो फिर ये मुगल फौज उन्हें कैसे रोक सकती थी। अजीत सिंह ने एक एक करके मुगल सैनिकों का संहार किया, लेकिन तभी लड़ते लड़ते उनकी तलवार भी टूट गई। 17 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। इनके नाम पर पंजाब के मोहाली शहर का नामकरण साहिबजादा अजीत सिंह नगर किया गया है। तो यह थी कहानी शहादत की साहिबजादों की। भारत के लिए, खास तौर पर पंजाब और सिखिज्म के लिए यह दिन काले अक्षरों में कैद है। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल।